कोलकाता की गलियों में घूमते फिरते उसकी महक से मोहब्बत हो गई है। ये शहर है या कहीं से उतरी ख्वाबों की दुनिया, हर कदम पर नई कहानियाँ बनती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बस ये समझने के लिए कि यहाँ आके हमारी कौन सी कहानी बनी। गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कहाँ हूँ ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पहले वाला वीडियो देख ही लिया था। तो यस, मैं हूँ सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में, जो कि मैं कल पहुँच चुकी थी। और कोलकाता पहुँचने के लिए जो यहाँ पे मेजर मेजर सारी सिटी से ना क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, प्लस ट्रेन की भी कनेक्टिविटी, तो आप इजी पहुंच सकते हैं। मैं पहुंची हूँ इक्कीस घंटे में। और अभी आज मेरा डे टू है कोलकाता में, मतलब डे वन ही लगा लो। और आज मैं सबसे पहले निकली हूँ दक्षिणेश्वर काली के दर्शन के लिए। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, और यहाँ पे पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो दक्षिणेश्वर ही है। तो आपको इधर उधर टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं धर्मतला से आ रही हूँ। तो टैक्सी वाले वहाँ मुझे 400-500 ऐसे मांग रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ 40 रुपीज में पहुँचती हूँ हम दोनों। तो चलिए ठीक है, करते हैं माता का पूजा और फिर आपको और भी मेजर मेजर जगह पे घुमाते हैं। तो गाइस अभी पहुंचे हैं मेट्रो स्टेशन, और ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है ये मत पूछ लेना प्लीज। और दिल्ली की तरह यहाँ का मेट्रो नहीं है, काफी खाली है और एसी भी नहीं चल रहा है। तो चलते हैं, लेते हैं मेट्रो, फिर पहुँचते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर। तो अभी मैं मेट्रो ले चुकी हूँ, और ये जो मेट्रो मुझे मैंने लिया है धर्मतला मेट्रो स्टेशन से लिया है, इसका नाम कुछ और था मैं भूल चुकी हूँ अभी। और मुझे जो किराया है हम दोनों का मिला के 40 रुपये सिर्फ आया, टैक्सी वाले 400 मांग रहे थे। तो चलिए पहुँचते हैं दक्षिणेश्वर स्टेशन। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुकी हूँ दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन, जो कि दक्षिणेश्वर के नाम से है। और यहाँ पे मेट्रो में एग्जिट लेते ही आपको ये काली माँ का मूर्ति छोटा सा दिख जाएगा और इनके भक्त दिख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे। तो यहाँ पे एक लाइन से सारी शॉप बनी हुई है, और मैं अभी यहाँ पे ले रही हूँ अपनी पूजा के लिए प्रसाद वगैरह। अभी मैंने ले लिया है पूजा वगैरह के लिए। चलिए चलते हैं बाकी, और चल के माता का दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी मंदिर के बाहर, और यहाँ पे डिपॉजिट काउंटर बना हुआ है। बेसिकली आप फोन बैग मोबाइल कुछ भी अंदर लेके जा नहीं सकते। तो अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट बाहर से मैं कोशिश करूंगी जितना आपको एक्सप्लोर करा पाऊँ उतना कराऊंगी। बाकी ये है माता का टेम्पल, एक बड़ी बैग वगैरह सबमिट करते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस फाइनली हम दोनों का दर्शन हो गया माता रानी का, और ये देखो ये प्रसाद हमने चढ़ा दिया। और इतनी गर्मी है यहाँ पे मत पूछो, सकल की तो बैंड ही बज गई, इतनी लंबी लाइन मंदिर के अंदर मत पूछो, क्या ही बताऊँ, बहुत लंबी लाइन थी। बट बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, बिल्कुल सामने से माता रानी का दर्शन हो गया मंदिर के अंदर जाके। और यहाँ पे ये सीन है ना, कब मोबाइल पर्स कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते हो, तो सॉरी मैं वो दिखा नहीं पाई आपको। बाकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, जो मंदिर का जो टाइमिंग है, सुबह आपको 6 से लेके 12:30 तक दर्शन होता है, फिर मंदिर बंद होता है 3 बजे तक, फिर 3 से लेके 8:30 तक आपका दर्शन होगा। बाकी आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत सा भव्य सा मंदिर है। बेसिकली ये जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है कोलकाता में स्थित है, और ये 1985 में बना था, और ये बिल्कुल हुगली नदी इसके साथ साथ बहती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। और मंदिर की तो क्या ही बात करो, ऑब्वियसली ये काफी भव्य है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और भी आपको एक्सप्लोर करके कोलकाता दिखाते हैं। तो गाइस अभी पूजा पाठ करने के बाद हम दोनों माँ बेटा बैठे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा कुछ होटल सा बना हुआ है नाश्ता के लिए, देखते हैं शायद पूरी सब्जी है खाएंगे। मेरे को काजू कतली खाने का, हाँ काजू कतली खरीदूंगे, फिर नाश्ता करते हैं फिर घूमते हैं। और तो ये मिला है नाश्ता यहाँ मंदिर के पास, दाल और पूरी सब्जी, ये लोग बनाते नहीं है, तो जो मिला है खाते हैं माता रानी का नाम लेके और निकलते हैं। गाइस जब आप मेट्रो से आएंगे तो वो लोग बोलेंगे ना कि यहाँ से प्रसाद लेके जाओ नीचे नहीं मिलेगा, बट ये मंदिर के सामने बहुत सारा आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं मार्केट इस तरह से। तो गाइस जब आप मंदिर से निकलोगे तो यहाँ से आपको स्टीमर मिलेगा बेलूर के लिए, और ये है टिकट काउंटर। तो चलिए टिकट लेते हैं फिर स्टीमर में चढ़ते हैं। ये ले लिया हमने 2 टिकट बेलूर का, जो कि 22 रुपये का 2 टिकट आया, 11 रुपये का एक। चलिए चलते हैं स्टीमर में घुमाते हैं आपको, है ना। हाँ और गाइस ये ऐसा है कुछ नजारा, यहाँ से हुगली रिवर है दोनों साइड, और ऊपर से पता नहीं क्या है, जा रहे हैं जल्दी से, स्टीमर शायद आ गई है, इसके बाद आधे घंटे बाद दूसरी स्टीमर। देख रहे हो क्या मस्त नजारा है, और आज मुझे छोड़ के भागे जा रहे हैं, रुक ये आ रही है स्टीमर। देख सकते हैं बिल्कुल नीचे सीट नहीं मिली।
है रामकृष्ण टेंपल जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है और इसका टाइम 6 बज के सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक खुलता है, उसके बाद 3 बजे से 8:30 बजे तक खुलता है और हम लोग लेट हो चुके हैं, लग रहा है बंद हो गया है, दरवाजे बंद ही हो रहे हैं। बाकी देख सकते हो आप यहाँ पे चलते हैं, अगर चल पाए तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते। तो गाइज ये देखो जस्ट 2 मिनट से हम बच गए, दर्शन हो गया हमारा और बंद हो गया अब ये टेम्पल। मुझे टाइमिंग नहीं पता था, आप लोग आओ तो टाइमिंग पता करके आना। तो गाइज पूरा खाली हो चुका है, 12 बजे बेसिकली भोग लगता है जिस वजह से दरवाजा बंद होता है। हम लोग भी हम निकल रहे हैं, अर्श को आ गया था वॉशरूम जिस वजह से कि हम बाहर अंदर ही फंस गए। मेरी तरह काफी लोगों को नहीं पता था कि ये बंद हो जाता है, पर टाइमिंग देख लो आप सब लोग आओ कभी तो प्रॉब्लम ना हो। ये देखो अब ये खुलेगा 4 बजे और काफी सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो बेसिकली यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे विक्टोरिया मेमोरियल के लिए जिसका कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्रो वगैरह नहीं है, आपको बस लेना पड़ेगा। तो हमने पहले बस लिया था, अभी हमने टैक्सी लिया है, तो पहुँचते हैं विक्टोरिया मेमोरियल फिर आपको घुमाते हैं। तो गाइस यहाँ से मिलेगा आपको विक्टोरिया मेमोरियल का टिकट जो कि प्राइस कुछ इस तरह से है, ओनली गार्डन का अगर आप लेते हैं तो 30 रुपीज, गार्डन प्लस म्यूजियम 30। और ये हमने अपनी टिकट ले लिया है जो हमने सिर्फ गार्डन का लिया है क्योंकि म्यूजियम जाने का भी हम दोनों माँ बेटे में हिम्मत नहीं है। चले बेटा चलो। गाइस तो फाइनली दिन भर घूमने के बाद हम दोनों माँ बेटा पहुँच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो की है मेरे पीछे। तो चलिए चलते हैं, टिकट ले लिया है हमने टिकट काउंटर से, तो चलिए ठीक है और बाकी की इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ और आपको घुमाती हूँ अपने साथ विक्टोरिया मेमोरियल का। और एक इन्फॉर्मेशन बताओ, आर्श इज वेरी टायर्ड, वो बोल रहा है क्या बोल रहा है आर्श? ये बोल रहा है कि बस अब घर चलो और नहीं घूमना मुझे। तो देखो ये लड़का क्या कर रहा है, इसकी बॉटल खो गई। काफी थक गया मेरा बच्चा और यहाँ ना गर्मी भी बहुत है। और ऐसा सा कुछ दिखता है विक्टोरिया मेमोरियल जहाँ पे की रानी का लिविंग रूम वगैरह है। तो चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, अगर आपके पास बड़े वाले बैग वगैरह है तो आप यहाँ पे सबमिट भी करा सकते हैं जो कि बिल्कुल टिकट काउंटर के बिल्कुल साथ में है, आप यहाँ पे अपने बैगेज वगैरह भी सबमिट करा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और गाइज ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये मंडे को क्लोज होता है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा आपको बता दूँ। हम बस बाहर बाहर से देखें क्योंकि हमें नहीं पता था कि अगर हम म्यूजियम का टिकट नहीं लेंगे तो हमें अंदर तक भी नहीं जाने देगा, तो हमारे पास टिकट नहीं था तो हम नहीं जा रहे। अब दोबारा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं वापस से टिकट खरीदूं और अंदर आऊं। तो निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते एक नई लोकेशन पे। अच्छा सीरियसली बताऊँ ये शहर ना बहुत थकाने वाला है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी मैं निकली हूँ यहाँ से, जा रही हूँ चर्च देख रही हूँ, उसके बाद मैं सीधे खाना खाऊंगी। 3 बज चुका है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा टाइम दो आप मुझे, मैं चर्च में और फिर निकलूंगा। हम निकले थे चर्च जाने के लिए बट हमें भूख लगी थी तो हम आए अमानिया पे। यहाँ के लोकल ने बताया कि इसका खाना अच्छा होता है, जान लो फालतू का हॉर्न। अमानिया पे लोगों ने बताया कि इसका खाना अच्छा होता है, तो चलिए देखते हैं क्या है खाने में। सच बताऊं ये देखो क्या खाना मिला, हमने पनीर बटर मसाला मंगाया था, इसमें से पानी दिख रहा है। चलो कोई नहीं बेटा, जो मिल रहा है वही खाते हैं। तो गाइस अभी ऐसा सीन हो गया, वो काई वाला जो खाना दिया था ना पनीर की सब्जी, हमने वापस कर दिया, पैसे आधे पे किए, आधा मैंने बोला भाई ले जाओ खाना छोड़ के आगे भी ढूंढते वेज खाना, यहाँ पे वेज खाना मिलना इज बहुत डिफिकल्ट, मिलता है। आज कुछ बोलना चाह रहा है बोलो। तो गाइस फाइनली हमें इस वाले होटल में खाना मिला और कभी जिस होटल में हम गए थे प्लीज उस होटल में खाना का भी मजा आना, मजाना भी तो नॉनवेज ही खाना, वेज मत खाना। उसके बगल में ही ये है आनम रेस्टोरेंट करके, यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी खा के बताते हैं खाना कैसा है। क्योंकि ये हम चले गाइस अब होटल की तरफ। अरे बाप रे, तो गाइस हम लोग जस्ट आ चुके हैं होटल में और देख सकते हैं सो हम दोनों सो रहे हैं क्योंकि हमारी हालत हो गई है खराब। और एक सीक्रेट बताऊं क्या हुआ था अभी बाहर? नहीं 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 क्या अभी पता है, जब हम बाहर मंदिर से आए ना दूसरा वाला मंदिर में गए ना तो अर्श को ना नहीं
पता है तू बेटा ना अर्श को ना रानू तो इसकी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी बताऊंगी तो है ना अर्श बेइज्जती हो जाएगी। तो बाकी आ चुके हैं यार, यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना कि मत पूछो। और हम खाना लेके आए हैं, आप देख सकते हो उधर जो रखा है, हाँ बाल छोड़, आज उधर जो रखा है ना उस वाले प्लास्टिक में हमारा खाना है। बेसिकली हमने कुछ खाया और जो बचा वो हमने पार्सल करा लिया। अरे यार बोल के तो जो बचा वो हमने पार्सल करा लिया। तो चलो अभी तो बहुत टायर्ड हो चुके हैं, बाकी आज सोते हैं, आज के लिए इतना ही हो पाया। गाइस कोलकाता में वैसे जगह तो काफी सारा है घूमने के लिए, बट अपने पास टाइम नहीं है। और दूसरा थोड़ा हेक्टिक हो गया अर्श को लेके, मैं अकेले आती तो बोर्ड जोर आपको सारे जगह एक्सप्लोर कराती, बट अभी के लिए इतना ही है। अभी कल मैं आपको ले चलूंगी काली घाट, काली टेम्पल, जो कि काफी फेमस है। यहाँ पे दर्शन आप लोग कर लेना, अच्छा है, अच्छा होता है, मतलब काफी फेमस है। आप पढ़ोगे गूगल पे तो काली घाट काफी फेमस है। कल काली घाट ले चलूंगी, उसके बाद फिर अपना बैक टू दिल्ली। अरे ये बैक टू स्कूल, तो चलो ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं होटल में हो रही हूँ बोर, आप देख सकते हैं बहुत बोर हो रही हूँ। और इधर पे टीवी भी बंद है और इधर पे अर्श देखो कर रहा है बदमाशी। ये मेरा लैपटॉप लेके मैकबुक लेके लगा हुआ है इसको देखने में, और जो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मैं इसको बहुत भूस के मारूं लैपटॉप के अंदर। और यहाँ पे मैंने चाय मंगवाया था जो कि ऐसे कप रखा हुआ है, इधर मेरा बैग फैला हुआ है और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। और बाहर से ऐसा ऐसा लग रहा है ना, बाहर में दिखाऊँ कटन हटा के, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अरे गंदा है और अर्श घुस गया इसमें, इसको मार ही देती हूँ। नो 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 नो। तो चलो अभी मेरा खाना आता है, मतलब मेरा नहीं अर्श का खाना आता है, फिर मैं खाना खिलाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखो अभी मम्मा मेरे को सर्व कर रही है खाना। खाने का टेस्ट का तो पता नहीं गाइस, बट ये जो बॉल है ना, मतलब करागी टाइप का सी, ये बहुत ज्यादा कवर्ड था, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। अरे तो ले चलो ना इसको घर ले चलो। ऐसा नहीं होता, होटल का सारा सामान सारे लोग ले जाने लगेंगे, तो ये बेचारे तो चला लिया इन्होंने अपना होटल। उनको 50 कम दिया है, उनको 50 रुपीज दो और ले दो। ऐसा नहीं, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जाता। और अभी मम्मा यहाँ सर्व कर रही थी, और इससे पहले मेरा खाना है, मैं अपनी सीरीज देख रहा था। चलो आ जाओ, ये है तुम्हारा अनियन जो कि मेरे को नहीं चाहिए था मम्मा, विथ नींबू तो खा जाऊंगा, तो चप 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 खाऊंगा। चलो मैंने इसको उस वाले जो एक्स्ट्रा एड किया उसमें नींबू डाला। अरे मम्मा जो एक्स्ट्रा डाला था अनियन, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारा आज का दिन खत्म हुआ, और अभी आंखें ना बिल्कुल बंद हो रही है, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले एक बार आप लोगों से बात कर लूं। तो ऐसा ही कुछ था। बाकी अगर आप कोलकाता आने का प्लान बना रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि चलो कोलकाता बहुत सही है, हर जगह से कनेक्टिविटी है, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। बट एक चीज इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो ट्राई करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो, क्योंकि अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हो, कैब हायर करते हो या फिर ऑटो लेते हो, तो एक तो वो आपको लोकेशन पे नहीं पहुंचाएंगे, दूसरा वो बहुत ही महंगा होने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप कोलकाता का प्लान करना, तो ट्राई करो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी करो। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा था, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी, गर्मी तो बहुत होती है यहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा, तो थोड़ा सा गर्मी झेलना पड़ेगा। बाकी लोकेशन अच्छा है, काफी जगह है, मैं तो विजिट कर नहीं पाई ज्यादा जगह, थोड़ा बहुत कवर कर पाई। बाकी कल देखती हूँ, कल वाले ब्लॉग में मैं थोड़े बहुत कुछ कवर करके दिखाऊंगी और कर पाई तो। वैसे कल का ही मेरा रिटर्न नहीं है, मैं ट्राई की मॉर्निंग में थोड़ी बहुत कुछ जगह आपको दिखाऊं, अगर हो पाया तो, आई एम नॉट श्योर। तो बेसिकली ये था। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, तो यहाँ पे खाना आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा, बट हाँ बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। मैं खुद अगर आप वेजिटेरियन हो तो, नॉनवेज खाते हो तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत ऑप्शन है, वेजिटेरियन हो तो कम ऑप्शन है, बाकी खाना वगैरह सस्ता मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर रहने की मैं बात करूं, तो मतलब क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल का अगर आप होटल देख रहे हो ना, तो 2 से 2.5 हज़ार में मिल जाता है, ठीक ठाक। जैसे मैं रह रही हूँ तो 2200 में है, ठीक है, इट्स नॉट बैड, सही है, लोग भी अच्छे हैं। और अगर आप हाई फाई भी देख रहे हो, मतलब 5 स्टार 4 स्टार टाइप का होटल देख रहे हो, तो वो आपको 6,000-7,000 इस रेंज में मिल जाएगा, यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और क्या बताऊँ, बाकी यही था। अगर आप ऐसे ट्रिप प्लान करते हो, 2 दिन के लिए प्लान करते हो, तो मतलब मिडिल रेंज अगर मैं बताऊँ, तो ये लगा लो 2 दिन का 5,000-6,000 में आपका होटल हो जाएगा, बढ़िया होटल अगर लोगे तो 5,000-6,000 के बीच में, और 2,000 खाने का लगा लो 8,000, और
आने जाने का लगा लो, मतलब एक बंदे का 10,000 रुपए में 2 दिन का आराम से ट्रिप यहाँ पे हो जाएगा। हाँ भैया, थोड़ा अगर आप बजट को मतलब माइंड में लेके चलते हो तो हो जाएगा। अर्श की तरह अगर बोलोगे मम्मा टैक्सी लो, मम्मा कैब लो, तब नहीं होने वाला। हाँ बट यहाँ पे मैनेजेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बहुत सस्ता है। तो चलो ये था इन्फॉर्मेशन, तुझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ मैं बोल रहा था कि अगर ताज लेना है तो पर रूम 8,000। हाँ ये बहुत ज्ञानी है, ताज लेना है तो पर रूम 8,000 का होगा, भाग जाए यहाँ से। और बताओ मैं सुबह थोड़ा टाइम पहले क्या इसकी बता रही थी मैं बताती हूँ ज्ञानी इसको, चलो नहीं बता रही हूँ, शर्म आ रही है उसको। चलो ठीक है, बाय बाय, मैं करती हूँ इस वीडियो को यहाँ ही। प्लीज लाइक कर दिया करो वीडियो पे यार, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल पे, न्यू हो, मैं इतनी थकी हूँ ना, कुछ भी निकल रहा है चैनल पे। अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।